गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? मेरे कैंसिल शिवानी, अर्चना, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की। सभी बच्चे लाइव आ जाए फटाफट। श्वेता गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज जो हम वर्क करने वाले हैं, दैट वर्क इज बेस्ड ऑन द पैराजम वर्ल्ड, है ना। जंबलिंग वाले क्वेश्चन, पीक्यूआरएस वाले आपके केवीएस एग्जाम में बड़े जबरदस्त तौर से आ रहे हैं, यानी कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस वुड बी देयर। सो फॉर दिस 10 क्वेश्चंस लेट अस हैव अ प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस को हम जरा देखते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम इन क्वेश्चंस को बेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जी राधा, फाइन, नैन्सी, ऑल राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम पीक्यूआरएस की बात करें, If I talk about PQRS, बच्चों ये रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट। तो देखो इनको जंबल्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस, या फिर बच्चों हम इनको रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, या हम इनको PQRS कहते हैं। इसका क्या मीन्स है कि सेंटेंस को वो ब्रेक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और वो पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, देन यू हैव टू मेक अ सेंस ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यू हैव टू मेक अ सेंस ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड यू हैव टू मेक अ करेक्ट रीअरेंजमेंट। और ये बच्चों इसमें क्या लगेगा, यहाँ पे सारे के सारे रूल्स लगते हैं आपके, यानी कि इफ आई टॉक अबाउट द एक्टिव पैसिव वॉइस, इफ आई टॉक अबाउट द लाइक नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव, जो भी उनकी सीक्वेंस या एडवर्ब की सीक्वेंस बनेगी वो सारी ही आपको फॉलो करनी होती है। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पे है। तो जरा देखते हैं बच्चों, इसमें देखो क्या यहां पे सेंटेंस दिया गया है आपको, एथेंस इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड वॉज नॉट ओनली, फिर आगे है एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट, यानी इसका पी पार्ट क्या है, दस वन, क्यू पार्ट क्या है, दस वन, फिर आगे आप देखेंगे आर पार्ट और ये आपका एस पार्ट है। तो बताओ बच्चों इस सीक्वेंस में क्या हमारा आंसर होना चाहिए? हीना, याश्विन, रबीश, राधा, दिव्या, नैन्सी, शिवानी, अर्चना, श्वेता, सभी बच्चे बताएं। जी बच्चों वेरी गुड इवनिंग। ओके राधा, आंसर आपने दिया है पीक्यूआरएस का ए, ठीक है। बाकी बच्चे बताएं व्हाट शुड बी द आंसर, के आंसर बच्चों हमारा यहां पे क्या बनेगा? ओके वेरी गुड। ओके श्वेता डी आंसर आपने दिया, हीना डी आंसर, रबीश डी, याश्विन ए, कंचन गुड इवनिंग, रबीश क्यू पी एस आर, हीना डी। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं कहूं इसको एथेंस इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड वॉज नॉट ओनली एन ऑलमोस्ट परफेक्ट डेमोक्रेसी, तो ध्यान से देखो बच्चों इसका जो आंसर हमारा निकलेगा द फर्स्ट डेमोक्रेसी सबसे पहले आएगा, द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसका मतलब है हमारा क्यू। अगर हम आर से देखें यानी कि वो जो नॉट ओनली, ये तो कोई बात ही नहीं बनेगी, हम आर से देखें आर वाला कोई पेंट नहीं है, पी से देखेंगे पी कहां पे है, एथेंस इट वॉज ऑल्सो, कोई बात ही नहीं बनेगी, तो बचा हमारा क्यू, द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एथेंस इट वॉज ऑल्सो, है ना, एथेंस यहां पे कोमा, इट वॉज ऑल्सो एन ऑलमोस्ट परफेक्ट डेमोक्रेसी आर, ये क्या हो रहा है, ये बच्चों आंसर बन क्या रहा है हमारा, क्या इसमें परफेक्ट आंसर आपको मिल रहा है? ऑलमोस्ट परफेक्ट रॉन्ग, हाँ यही लग रहा है मुझे। देखो इसका आंसर बनेगा द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड वॉज नॉट ओनली एथेंस, इट वॉज ऑल्सो एन ऑलमोस्ट परफेक्ट डेमोक्रेसी, समझ में आ गया आपको, यानी क्यू क्यू पी
आर एस, क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, ये कहानी बनेगी बच्चों आपकी। आप बाकी बच्चों ने क्या बनाया है? हाँ बच्चों क्यू पी आर एस बन रहा है, तो आंसर हमारा क्यू पी आर एस बनेगा, यानी कि ये थोड़ा यहां पे गलत हो गया है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। दे डिसाइडेड फॉर देयर फ्रेंड्स दैट आफ्टरनून टू बाय सम प्रेजेंट्स टू गो शॉपिंग। बताओ बच्चों इसमें क्या बनाएंगे? व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ओवर हियर? हम इसकी सीक्वेंस को कैसे यहां पे देखेंगे? यस बच्चों, ओके पी क्यू आर एस आप कह रहे हैं, यानी कि दे डिसाइडेड फॉर देयर फ्रेंड्स दैट आफ्टरनून टू बाय सम प्रेजेंट्स टू गो शॉपिंग। ये सीक्वेंस कुछ गड़बड़ हो रही है इनकी। आंसर अगर हम देखें तो बच्चों सीक्वेंस यहां पे गड़बड़ जा रही है। हाँ ये बन जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे बच्चों डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखो, दे डिसाइडेड फॉर देयर फ्रेंड्स दैट आफ्टरनून, सो दे डिसाइडेड फॉर देयर फ्रेंड दैट आफ्टरनून टू गो शॉपिंग, टू गो शॉपिंग टू बाई सम प्रेजेंट्स, ये करेक्ट सिक्वेंस बनेगी। समझ में आ गया सब बच्चों को? तो आंसर हमारा डी बनेगा यहां पर। गेटिंग प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मानसून इवनिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा और ये सही से दिया भी गया है। वन मानसून इवनिंग पी क्यू आर एस आपको बनानी है। द फार्मर रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड्स व्हेन द स्काई वाज ओवरकास्ट विद थ्रेटनिंग क्लाउड्स एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड अ लिटिल अर्लियर देन यूजुअल। तो बच्चों देखो, वन मानसून इवनिंग द फार्मर रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड्स A little earlier than usual. When the sky was overcast with threatening clouds and found a group of playing on the road. Yani PSQR. B. QPSR. हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल, क्योंकि हमें इसमें से आंसर देखना है, ये आपका बी बनेगा। When the sky was overcast with threatening clouds, the farmer returned from the field a little earlier and found a group of, बिल्कुल करेक्ट बन गया। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? बी बच्चों। वेरी गुड, गुड गोइंग ऑन अर्चना, श्वेता, हीना, दिव्या, आसमिन, कंचन, वेरी गुड बच्चों, सभी ने बढ़िया बना दिया। रूबी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अब देखो इसमें सिर्फ चार ऑप्शंस दिए गए। श्याम टुक अ फोटोग्राफ फ्रॉम द विंडो विच वाज ओवर एक्सपोज्ड, बोलो क्या बनाएंगे? यस प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए हमारा आंसर? ओके बनाइए क्वेश्चन नंबर फोर को, व्हाट शुड बी द आंसर देयर? ध्यान से देखो बच्चों कैसे बनेगा ये, क्यों बनेगा? फ्रॉम द विंडो, वेयर फ्रॉम? फ्रॉम द विंडो श्याम टुक अ फोटोग्राफ,
टुक के बाद सीधा ऑब्जेक्ट, और कौन सा फोटोग्राफ, विच वॉज ओवर एक्सपोज्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विच वॉज ओवर एक्सपोज्ड ये बच्चों कौन सी क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज है? अगर मैं इसको कहूं तो क्लॉज हमारी बच्चों कौन सी बनेगी यहां पे? देखो ये जो है ना श्याम टुक फ्रॉम द विंडो, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठेगा, सी वाला करेक्ट नहीं, बी करेक्ट बैठेगा। एडजेक्टिव बच्चों, और एडजेक्टिव क्लॉज किसके पहले आती है? जिसको वो एक, जिसकी विशेषता बताए, फोटोग्राफ नाउन है तो ये क्या बन जाएगा हमारा आरपीएसक्यू। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बस यही आपको कंबाइन करना है, यही कनेक्शन वहां पे बच्चों आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, पीपल नो नॉट ओनली ऑफ द स्मोकर्स देमसेल्फ, पीपल नो नॉट ओनली ऑफ द स्मोकर्स देमसेल्फ। देखो नॉट ओनली किसके पहले है? द स्मोकर्स देमसेल्फ, दैट इज स्मोकिंग टोबैको बट ऑल्सो ऑफ देयर कंपेनियंस इज इंजूरियस टू द हेल्थ। क्या बनना चाहिए? What should be the answer? What should be the answer? Okay, बच्चों very good. देखो आप ध्यान से देखो, ये जो Q है, दैट स्मोकिंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, P के बाद में R आएगा। आप देखो पहले वाले को, बट ऑल्सो ऑफ देयर कंपेनियंस, A P और इसके बाद में, सॉरी P के बाद में S आएगा, और सॉरी Q Q है ना, QS QS किसमें है? इसमें QS, फिर PR, PR पहले बनेगा, PSQR, people know not only of the smokers, बच्चों A तो नहीं बनेगा, A बिल्कुल भी इसमें नहीं बनेगा। P R Q S, P R Q S, ये देखो बच्चों, P R Q S would be the correct, P के बाद में Q, बच्चों कैसे बन जाएगा P के बाद में Q? People not only know, but also of their companion. That is smoking is. ये बनेगा ना बच्चों PRQS. ये करेक्ट होगा बिल्कुल। समझ में आ गया आपको? मुझे लग रहा है कि कुछ आंसर जो हैं वो mismatched हैं, सही नहीं है, but still we can make a correct arrangement. तो arrangement जो बनेगा आपका वो बच्चों ये बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। The long grueling hours had finally paid off. On drawing after drawing, working tirelessly, painting after painting. बोलो बच्चों क्या बनेगा? Working tirelessly, सबसे शुरू में the long ruling hours had already been paid off. On drawing after drawing, painting after painting. तो बच्चों आंसर आपका हाँ डी, डी मस्ट बी द आंसर। ये जो बच्चों यहां ना working tirelessly as an adverb, how working tirelessly शुरू में आ गया, तो वर्किंग टायरलेसली, बाकी इसमें मिला के देखो, पी को गर्म देखिए, पी के बाद में आर,
पेड़ ऑफ वर्किंग टायरलेसली नहीं नहीं बनेगा, आर क्यू आर से वर्किंग टायरलेसली बन रहा है, क्यू वर्किंग टायरलेसली ऑन ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग पेंटिंग आफ्टर पेंटिंग द लॉन्ग ग्रिलिंग आवर्स हैड फाइनली पेड ऑफ, नहीं नहीं बच्चों आंसर इसमें डी बनेगा हमारा करेक्ट, मतलब समझ में आ रहे हैं ना आपको, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है इसकी, तो आंसर बच्चों हमारा डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लाइमेट क्लाइमेट कल्चर्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन दैट इफ अफेक्ट्स द एंटायर चेंज इज अ ट्रूली यूनिफाइंग फिनोमेनन वर्ल्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनल बॉर्डर्स। बोलो बच्चों क्या बनाओगे आप, यहां पे क्या आंसर करेंगे? देखो अगर मैं कहूं इसको बच्चों वर्ल्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनल बॉर्डर्स कल्चर्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इसके बाद में पी आना चाहिए। ओके बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली बच्चों आर क्यू एस पी सी बनेगा। कैसे? चेंज इज अ ट्रूली यूनिफाइंग फिनोमेनन है ना, इन दैट इट अफेक्ट्स द एंटायर क्या वर्ल्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनल बॉर्डर्स कल्चर एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, हमारा आंसर बच्चों आर क्यू एस पी बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल ठीक है रूबी अर्चना दिव्या कंचन, बहुत सही जा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल करेक्ट। तो पकड़ में आ रही है बात आपको ये? जी श्वेता बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जरा देखेंगे, क्रिकेटर्स फेल टू जीरो इन ऑन अ रीजन वेल अगेंस्ट ए स्पेसिफिक अपोजिशन फॉर देयर प्लेइंग एक्सेप्शनली पास्ट और प्रेजेंट। मैं आपको बता दूं केवीएस में क्वेश्चन इससे लो ही रहने हैं, बट स्टिल वी हैव टू मेक अ गुड प्रैक्टिस, हमें बढ़िया प्रैक्टिस बच्चों करनी है, तो हमें प्रैक्टिस को अच्छे से लेना यहां पर पड़ेगा। All right, good Archana. C answer, okay? कुछ बच्चे C कह रहे हैं, बाकी को देखते हैं। दिव्या C, देखते हैं जरा बच्चों। Right बच्चों, ये C बनेगा, 100% C बनेगा। Fantastic answer. कैसे बनेगा? पास्ट और प्रेजेंट, अब तब क्रिकेटर्स फेल टू जीरो इन अ सीजन रीजन है ना, और फिर बच्चों फॉर देयर प्लेइंग एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली के बाद में सीधी बात है हम वेल लगाएंगे, वेल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक अपोजिशन, आंसर हमारा सी बन जाएगा। बस यही अंडरस्टैंडिंग बच्चों आपकी एग्जाम के लिए चाहिए, और कमिंग एग्जाम में आप धमाल मचा देंगे। बहुत अच्छे आरूज याश्विन श्वेता अर्चना रूबी कंचन हीना दिव्या, गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल रिलीजन्स आर टू एडवांस द कोज ऑफ पीस इन अ होली पार्टनरशिप जस्टिस एंड फ्रीडम बाउंड टुगेदर, कैसे बनाएंगे आप इसको बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जैक्टली बच्चों ये सी ही बनेगा, एस क्यू पी आर। देखो बाउंड टूगेदर, आपको पता है बाउंड इन होता है भाई, बाउंड के बाद में बच्चों क्या आता है हमारा इन, तो बाउंड टूगेदर इन होली पार्टनरशिप
All religions are advance the cause of the peace, justice and freedom. आपको पता है peace अगर लिखा है तो उसके बाद में justice और उसके बाद में freedom. आंसर हमारा C बन जाएगा. पकड़ में आ रही है बच्चों बात आपको? यही चीजें आपको पकड़नी है. Means if I say that for the best understanding, the depth understanding of this chapter, you have to work like this. आपको इस तरह से work यहाँ पे करना होगा. Fantastic, शोग बहुत अच्छे. जी बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. दे वेंट आउट इन द मॉर्निंग बाई अ बस टू स्पेंड द डे एट भिमली, अ फेमस पिकनिक स्पॉट सम 25 किलोमीटर अवे. कोई बात नहीं अर्चना, कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग फॉर दिस. बोलो बच्चों 10 का क्या आएगा? वेरी गुड, दैट्स फैंटास्टिक. अर्चना, श्वेता, यास्मीन, कंचन, बहुत अच्छे भाई. सीधी सी बात है पूरा. अगर मैं कह दूं कि अ फेमस पिकनिक स्पॉट सम 25 किलोमीटर फॉलो करेगा, टू स्पेंड द डे एट भिमली, कहां है वो फेमस? भिमली को एक्सपोज किया, मतलब उसने एक्सप्लेन किया. और फिर ये तो दे वेंट आउट इन द मॉर्निंग बाई अ बस टू स्पेंड द डे एट भिमली, अ फेमस पिकनिक स्पॉट सम 25 किलोमीटर अवे. हमारा आंसर क्या बनेगा? 100% इट वुड बी ए. बहुत अच्छे बच्चों, देखो 10 क्वेश्चन में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है और बढ़िया वाली बन रही है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट स्टॉप हिम फॉर एन आवर इफ यू विल ही विल रन. बोलो कैसे बनाओगे? जी बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल. तो क्या बनाएंगे हम इसका बच्चों? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी शिवानी, वेरी गुड. आरोज, क्या बात है, आपने तो बच्चों कर दिया काम. रूबी, अर्चना, दैट्स ग्रेट. तो यही तो बच्चों इसका आंसर है, सी. ही विल रन फॉर एन आवर इफ यू डोंट स्टॉप हिम. हमारा आंसर बच्चों यहां पे सी जाएगा. फैंटास्टिक आंसर, ग्रेट. रवीश, यास्मिन, श्वेता, दिव्या, अर्चना, रूबी, बहुत अच्छे बच्चों. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. द साइंटिस्ट रिफ्यूज टू टॉक टू द प्रेस हु डिस्कवर्ड दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट क्योर. 12 नंबर का बच्चों क्या बनाओगे आप? अब इतनी बात देखो, जब मैं कहता हूं द साइंटिस्ट, तो इसके बाद में इनमें से क्या आएगा? रिफ्यूज या हु डिस्कवर्ड या दैट एवरीवन? बोलो बच्चों क्या बनाओगे? अच्छा, ए और सी में अटके हैं बच्चे. नहीं बेटा, इससे नहीं बनाएंगे क्योंकि कोमा नहीं है वहां पे ही ना. 12 का सी बच्चों, अगर मैं ए कहूं क्यूआरएसपी, तो देखो द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, ये गलत हो जाएगा. हु डिस्कवर्ड द एंशिएंट क्योर, इसके बाद में ये आएगा, तो आंसर हमारा सी बनेगा. द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द एंशिएंट क्योर, है ना, दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, refused to talk. QSQRSP. QR. हाँ बच्चों यही बनेगा, सी आंसर बन जाएगा. सीधी सी बात है, परफेक्ट जो है वो सी बन रहा है.
बाकी को हम देखेंगे ही नहीं, या मतलब देखेंगे भी, बट ये दिस वुड बी द एग्जैक्ट वन. द टीचर वॉन्ट दैट ही वुड नॉट लेट गो होम दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट फिनिश द क्लास वर्क. बोलो बच्चों क्या बनाएंगे इसमें, वॉट शुड बी द आंसर? Teacher want that he would not let All right, bachu, very good. बच्चों इसका आंसर ए है, ए. जरा ध्यान से देखो, सी को देखो मिला के. द टीचर वॉन्ट दैट ही वुड नॉट लेट दोज स्टूडेंट गो, ना द स्टूडेंट वॉन्ट दैट ही वुड नॉट लेट, किसको नहीं जाने देगा, गो होम किसको, दोज स्टूडेंट कौन से हु डिड नॉट फिनिश. अब मुझे बताओ ये क्लॉज कौन सी है, ये बच्चों कौन सी क्लॉज है, सेंटेंस हमारा पी क्यू आर एस बन गया. ए इज द करेक्ट. कुछ बच्चों ने बिल्कुल दिया है, शिवानी ने आंसर दिया है करेक्ट, और कंचन ने दिया है, रबीश. ए आंसर बनेगा बच्चे, फिट बैठेगा वो. तो मुझे ये बताओ ये क्लॉज कौन सी बनी, वुड नॉट फिनिश द क्लास वर्क. ट्राई बच्चों, हाँ बेटा लेट के बाद में वर्ब आती है, हमें पता है इस बात का. अरे देखो तो सही, टीचर वॉन्ट दैट ही वुड नॉट लेट गो होम दोज स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को जो फिनिश नहीं करेंगे क्लास वर्क. तो ये इसी को तो मॉडिफाई कर रही है, इसकी विशेषता बता रही है. तो क्या एडजेक्टिव क्लोज बनेगी बच्चों, एडजेक्टिव क्लोज बनेगी ना, एडवर्ब कैसे बन जाएगी. हाँ इंग्लिश एस्पायरेंट बिल्कुल आपने एडजेक्टिव क्लोज सही जवाब दिया है, बाकी बच्चे गलत कर रहे हैं आज. आरूस बिल्कुल ठीक है. टाइड एवरीवन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो. 14. With an idea to reach the deprived child by the United States, the year 1979 has been declared as the International Year of the Child. क्या सीक्वेंस हमारी बनेगी? देखो बच्चों, जी अर्चना यही पे है बिल्कुल. तो बच्चों ध्यान से देखो, 14 का आंसर आपका बी बनेगा. कैसे बनेगा? सी, द ईयर 1979 हैज बीन डिक्लेयर एड कैसे, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड. By the United States, है ना, with an idea to reach the deprived child. वो सबसे बाद की बात है. आंसर आपका बी बन जाएगा. कितने बच्चों ने भी बताया? आरूस ठीक है, याश्विन ठीक है, ओके बच्चों, कई सारे बच्चों ने बना दिया है. समझ में आ रहा है सब बच्चों को? बढ़िया से, बहुत अच्छे आंसर हैं सब बच्चों के. थोड़ी थोड़ी गलती होती है, सोल राइट. Give yourself freedom to make mistakes, then you will learn the correct. बहुत अच्छे बच्चों. और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बनेगा बच्चों. क्या क्वेश्चन है? It was not. बोलो क्या बनेगा? It was not conditions with fuel prices climbing to dizzy heights. But resentment arising out of the harsh economic which led to the recent protest in Myanmar as inspiration for democracy. बच्चों सीधी सी बात देखो, रिसेंटमेंट अराइजिंग आउट ऑफ द हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस, क्यू के बाद में पी आ गया. अब देखो
इनसे शुरुआत तो नहीं हो सकती, लेकिन हम क्या बनाएंगे, इट वॉज नॉट एज इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, है ना, एज इंस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब बच्चों किससे, एस से शुरू होगा, एस से दो शुरू हो रहे हैं, एस क्यू पी आर एस क्यू आर पी, क्यू पी क्यू आर पी, बी बनेगा बच्चों आंसर यहां पे। ये सारा बिल्कुल ठीक है। तो 15 का आंसर बी, इट वॉज नॉट एज इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी बट रिसेंटमेंट राइजिंग आउट ऑफ द हार्श इकोनॉमिक कंडीशन विद द फ्यूल प्राइसेस कंबाइंड डीजी हाइट्स विच लेड टू द रिसेंट प्रोटेस्ट इन म्यांमार। केवीएस की कितनी कट ऑफ का एम रखें एटलीस्ट, बेटा मैक्सिमम करो, अभी तो कट ऑफ का पेपर के बाद पता चलेगा, पेपर कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग हाई या लो देखी जाएगी वहां पर, ठीक है अर्चना। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके थे, होपफुली कि दिस वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू पीपल। मिलते हैं बच्चों कल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।